नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मैंग साव और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के चैलेंजेस के बारे में, उसे हर दिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कैसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उसका कैसे वो सॉल्व करता है आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने HR मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स जाने थे, फंक्शंस जाने थे, उसके स्किल्स जाने थे, जॉब स्किल्स जाने थे, जॉब इवैल्यूएशन जाने थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है HR मैनेजर का वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उस वीडियो में मैंने बहुत ही डीपली बताया है, तो वो वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको वो वीडियो देखने के बाद पूरा HR मैनेजर का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करें आज के हमारे चैलेंजेस ऑफ HR मैनेजर का, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। बात करें चैलेंजेस फेस्ड बाई HR मैनेजर की, तो यहाँ पे हम लोगों ने चैलेंजेस को तीन चैलेंज में बांट दिया गया है, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस में हम लोगों ने बांट दिया, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है HR मैनेजर का वो अच्छे से चैलेंजेस डिस्क्राइब कर सकूं मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्वायरमेंट चैलेंजेस से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट चैलेंजेस जो होता है कि जो बाहर से जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो भी फोर्सेस लगाते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसे वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो एनवायरमेंटल जो भी बाहर से सोर्सेस आते हैं उसको कंट्रोल करना तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल होता है, उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और ये जो चैलेंजेस होते हैं ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं, ये हर वक्त नए नए चैलेंजेस के रूप में, नए नए प्रॉब्लम्स के रूप में, नए नए इशू के रूप में हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं और समझने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की, तो द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। These external forces are almost out of control of the management of the organization. These can be regarded as threats to management and should be handled in proactive manner. Following are the list of human resource management challenges that considered environmental challenges. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स इशू आते हैं, उसे वो किस तरह से हैंडल करते हैं, उसे वो किस तरह से फेस करते हैं, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को किस तरह से, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल 7 पॉइंट्स का यूज़ किया है। 7 पॉइंट्स से हम लोग वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग का देखने को मिलता है रैपिड चेंज। रैपिड चेंज में क्या होता है, ये जो चेंजेस होता है ये हर वक्त आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो अगर आप HR हो या फिर एज अ HR मैनेजर आप सोच रहे हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो रैपिड चेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है और ये हर वक्त चेंज होता रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, नया प्रोडक्ट में हो, या फिर नया मार्केटिंग में हो, स्ट्रेटजी में हो, हर वक्त ये चेंज होता रहता है। इसका कोई भी एक जगह नहीं है कि ये एक टाइम पे कभी एक जैसा नहीं रहेगा, यह हमेशा हर वक्त आपको नए नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे, नए टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें क्या होता है, जो कंपनी होता है वो हमेशा HR को एडेक्टिव देखना चाहता है। अगर HR जो है एडेक्टिव नहीं है तो वो ज़्यादा दिन अपने कंपनी को मार्केट में सर्वाइव नहीं करवा पाएगा और बहुत जल्द वो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी जो होता है वो HR हमेशा प्रोएक्टिव ढूंढता है। प्रोएक्टिव यानी कि उसको पहले से सब कुछ मालूम होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है, उसे फोरकास्ट हो जाना चाहिए कि हाँ अब ये चेंजेस होने वाला है, वो चेंजेस होने वाला है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने वाला है, पॉलिसी में चेंजेस होने वाला है, ये सभी को, सभी के बारे में उसे पहले से मालूम हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत लगभग मालूम हो जाना चाहिए, ताकि वो जो मार्केट है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन, उसे ठीक से वो कंट्रोल कर सके।
तो यहाँ पे हम लोग बात करें रैपिड चेंज, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ फास्टर रेट बिकॉज चेंज इज कॉन्स्टेंट फॉर सेवरल सेंचुरीज, सो द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्विकली एडेप्टिव टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, अदरवाइज दे बिकम ऑब्सोलेट फ्रॉम द मार्केट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में चेंजिंग बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ही तेजी से जो है वर्ल्ड में चेंजिंग हो रहा है. बिजनेस जो आज के टाइम पे बिजनेस जो है वो बहुत ही वास्ट हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया है, बहुत ही तेजी से बदल रहा है. और इसके लिए हम लोग को जो HR होता है वो कंपनी जो रिक्वायर रखता है वो रखता है, हमेशा उसे प्रोएक्टिव रहना होगा, प्रोएक्टिव रहना होगा, ताकि जो भी कुछ चेंजेस होने वाला है उसके कंपनी में उसे ठीक से सर्वाइव करने के लिए उसे ठीक से वो मैनेज कर सके. फिर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ बेसिक रोल इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंज या फिर एनवायरमेंटल चेंज. द HR डिपार्टमेंट शुड अडॉप्ट सच पॉलिसीज दैट कैन एवेल द न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरमेंट एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन अवे फ्रॉम द न्यूली एमरिंज थ्रेट्स. तो यहाँ पे जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसका सबसे बेसिक रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उस पर वो तुरंत रिस्पॉन्स कर सके, तुरंत उसको समझ सके, उस पर काम कर सके. फिर जो भी उसे पॉलिसीज नए मिल रहे हैं, नए पॉलिसीज को वो अपना सके, समझ सके. टेक्नोलॉजी में कुछ नया मशीन आया है या फिर नया कुछ फीचर आया है तो उन सभी को वो ध्यान में रख सके, नया अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सके अपना ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और नया बनाने के लिए. फिर आता है यहाँ पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में क्या होता है, ये एक तरह का चैलेंज भी है और ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है हर एम्प्लॉय के अंदर, ताकि जो आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हर जगह से अलग अलग कंट्री से अलग अलग स्टेट से एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण उनके पास नए नए कंट्री से आए हुए कल्चर, नए नए कंट्री से आए हुए आइडियाज़ जो होते हैं कलेक्ट होते हैं और उन सभी को यूज़ करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में. और इसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि जब कोई डिफरेंट कंट्री से या फिर डिफरेंट कल्चर से जब कोई आते हैं तो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, वो जो होता है वो पैरिटी का शिकार होने लगता है. वो लोग कोई किसी का कल्चर को पसंद नहीं करता है, इस तरह से होने लगता है, कोई कोई पॉलिटिक्स खेलने लगता है, कोई ग्रुपिज्म हो जाता है. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट बनने लगते हैं जिनको स्टेरियोटाइप भी कह सकते हैं, स्टेरियोटाइप नेचर, उसमें पॉलिटिक्स आ जाते हैं, वो कोई पसंद फेवरेबल होता है, कोई अनफेवरेबल होता है. तो यहाँ पे वही सब चलता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में. जब अगर आपको इसको पायरिटी के साथ आपको चलाना है, अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आपको अच्छे से करना है तो इन सभी को आपको मेंटेन करके चलना होगा, इनके सारे प्रॉब्लम को आपको तुरंत ख़त्म करना होगा और इसे लॉन्ग टाइम के लिए आपको सर्वाइव करना होगा, इनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिलाना होगा. फिर जैसे कि हम लोग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, द चेंजिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड्स बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द HR मैनेजर शुड अडॉप्ट सच पॉलिसी दैट कैन मेक पॉसिबल द एडवाइजर वर्कफोर्स ऑफ एम्प्लॉयज. Although one hand diversity creates a big problem, in the long run, the survival and performance of the organization is flourish. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है, तो एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है दोनों को, अपॉर्चुनिटी भी और एक चेंजिंग और चैलेंजेस को भी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक ही कारण होता है कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं, कल्चर आ रहे हैं, उन सभी को वो ध्यान में रखते हुए उसे काम करे और एक पायरिटी बनाए और उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाए और इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाए, इन सभी के बीच में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू ना बन जाए या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम इस तरह से ना क्रिएट हो जाए. फिर आता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड चेंज और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मिलाकर यहाँ पे बनाया गया, ये बहुत ही सीरियस इशू हो गया है. इससे क्या कई बार ऐसा भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है. जैसे कि जो चीज़ अभी इंडिया में जो मशीनरी नहीं आई लेकिन वो बाहर अमेरिका में, रसिया में, चाइना में, जापान में आ चुका है, तो जब वो बनता है, जब वो आता है तो वो जो अपने
जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ऑटोमेटिक मशीनरी कह सकते हैं, जो मशीन्स होते हैं, जो भी जो एक मशीन है वो 10 एम्प्लॉय का जब काम कर दे, तो जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा, 9 लोग का एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, क्योंकि वो मशीन को भी चलाने के लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ता है, तो वो एक एम्प्लॉय जो है वो 9 9 लोगों की जगह पर काम करता है। तो यहाँ पर वही होता है कि जब कोई नया टेक्नोलॉजी अपने देश में आता है जो अपने देश में नहीं है, तो उसमें क्या कई बार ऐसा सीरियस इशू भी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि उसे बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, फिर उसके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर उसका एक सीरियस इशू ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगता है, ग्लोबलाइजेशन का प्रॉब्लम फेस करने लगता है, सर्वर कंपटीशन बढ़ जाता है, ग्लोबल बिजनेस चेंज हो जाता है, बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो यही सब होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। तो यहाँ पे वन ऑफ द सीरियस इशू दैट टूडेज ऑर्गेनाइजेशन आर फेसिंग इज द इशू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू ए ग्लोबल बिजनेस एंड सर्वर कंपटीशन इज स्टार्टेड बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। सच कंपटीशन रिजल्ट्स इन लाइंग ऑफ द इफेक्टिव वर्क फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द HR डिपार्टमेंट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ग्लोबल एंड वाइडर। तो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट जो होता है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनका कल्चर को अपने देर अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को ग्लोबल में और वाइडली इसे प्रोवाइड कर सके, समझा सके और दिखा सके, अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के बीच में। या डोमेस्टिक यहाँ पे जैसे कि जो देश का कंपनी होता है, किसी भी अपना एक नेशनलिटी कंपनी होता है उस बीच में, और फॉरेन कंपनी के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी ग्लोबल बिजनेस चल रहा है उन सभी को। फिर आता है यहाँ पे हम लोग लीगलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द ओल्ड इन्वायरमेंटल चैलेंज दैट इज फेस्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनी डिकेड्स। तो ये जो इन्वायरमेंटल, ये बहुत ही पुराना इन्वायरमेंटल चैलेंज है जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में फेस किया जाता है, और डिकेड्स यहाँ पे 10 साल के बीच को बोला जाता है कि 10 साल के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो आते रहते हैं। फिर देयर आर सर्टेन लेबर लॉज दैट आर डिक्लेयर्ड बाई द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो हर 4 साल में 5 साल में चेंज होता है। तो कोई गवर्नमेंट क्या करता है कि जो पॉलिसी है उसी को रखता है, और कोई कोई गवर्नमेंट जो करता है कि अपना पॉलिसी अपना रूल जो है चेंज कर देता है। तो ये जो होता है ये हमेशा चेंजिंग रहता है, ये गवर्नमेंट के साथ में आपको चल के रखना पड़ता है। गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करता है कि आपको साल में कितने दिन छुट्टी चाहिए, आपको कितना प्रोडक्शन बनाना है, ये सभी गवर्नमेंट जो होता है पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चाहे आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पे आपको एक पॉलिसी दे दिया जाता है कि आपको इतना सैलरी देना है या फिर इतना प्रोडक्शन करना है, इतना आपको छुट्टी मिलेगा। ये जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये कभी फिक्स नहीं होते, जब नया गवर्नमेंट आएगा तो नया पॉलिसीज बन जाए, तो यही सब चलता रहता है। सम ऑफ दिस लॉ आर डिसएडवांटेजियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वन ऑफ द बिग चैलेंजेस ऑफ द HRM टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज लेबर लॉज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है, कई बार ऐसे लॉज आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही गलत होता है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई गवर्नमेंट मीटिंग फिक्स करके काम करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सोचकर एक लॉ बनाते हैं तो ही आपका ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता तो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट जो है वो अपना लॉ खुद बनाता है, किसी से ऐसा नहीं बनाता, ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पे जो होता है HRM का बहुत ही ज़्यादा चैलेंज इसको देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है HRM के लिए कि उसे किस तरह से वो मैनेज कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। फिर इफ़ एनी सच लॉ इज़ वॉयलेटेड सीरियस एक्शन आर टेकन बाय द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट मे रिजल्ट इन सीरियस पेनल्टीज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इस गवर्नमेंट के लॉ को सही तरीके से नहीं ले रहा है तो उसे पेनल्टी भी गवर्नमेंट को भरना देना पड़ता है, पेनल्टीज भी आपको देना पड़ेगा, और कई बार ऐसे सीरियस पेनल्टीज भी हो जाते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाता है, कई कई सारे ऐसे कंपनी बंद भी हो जाते हैं।
फिर अब हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जो है, जब नया टेक्नोलॉजी जैसे आता है, हम लोगों ने जैसे कि रैपिड चेंज में देखा था कि नया टेक्नोलॉजी आया तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा। तो उसमें क्या होता है कि जब एचआर मैनेजर जो होता है उसको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह से चलेगा, कैसे चलाना है, फिर कितने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसे सीखने में इच्छुक होते हैं और कितने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सीखने में उसे इच्छुक नहीं होते हैं। तो इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाता है और वो नहीं सीख पाते हैं या नहीं सीखते हैं तो उनको जॉब जो है छोड़ना पड़ता है। तो यही होता है, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अ ग्रेट स्पीड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन। न्यू मेथड्स आर एमर्जिंग दैट क्विकली डोमिनेट्स द ओल्डर वन एंड मेक देम ऑब्सोलेट। देयर फॉर द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑल्सो चेंज विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड दिस वुड कंपेल द वर्कर टू एडवांस द स्किल्स 3 to 4 times थ्रू आउट देयर वर्किंग लाइफ। सो देयर कम्स अ बर्डन on the HR department to constantly update the skills and expertise of its employees। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी जब आता है तो इसमें स्किल रिक्वायर भी हो जाता है एडवांस तरीके से। तो एचआर का यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसे रोल प्ले करना पड़ता है, हर एम्प्लॉयज़ को वो स्किल समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं या कितने एम्प्लॉयज़ सीखना नहीं चाहते हैं, तो यही होता है। फिर आता है यहाँ पे जॉब एंड फैमिली रोल्स में क्या होता है, कई सारे अधिकतर सभी जॉब्स में जो होते हैं सिर्फ बैचलर के साथ साथ कुछ मैरिड पीपल्स भी रहते हैं जिनको जॉब के साथ साथ अपने फैमिली को भी चलाना पड़ता है। तो उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पॉलिसी लगाता है जिसमें वो अपना जो काम है वो अपना काम को लाइटली करते हैं और अपने फैमिली पे भी ध्यान देते हैं। तो यही होता है, इन रिसेंट ईयर डुअल करियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंग इन विच बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड वर्क। दिस क्रिएट्स अ सीरियस बर्डन ऑन द वोमेन दैट दे हैव टू गिव टाइम टू देयर फैमिलीज ऑल्सो। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द पॉलिसीज ऑफ एच आर फेवर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 10 years। द वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट एंड टाइट फॉर द एम्प्लॉयज। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो जॉब एंड फैमिली रोल्स होते हैं इसमें जो कई ऐसे लड़कियाँ जो होती है जो हाउसवाइफ भी होती है तो वाइफ के साथ साथ उसे अपना जॉब भी करना पड़ता है, वाइफ का वर्क के साथ साथ उसे अपना जॉब भी सही तरीके से करना पड़ता है। तो ये जो एचआरएम जो होता है उसका अपना पॉलिसी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेके कि वो अपने फैमिली को ठीक से चला पा रहे कि नहीं चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, उनको उनको काम कैसा देना है, चैलेंज कैसा देना है, हर दिन कैसा उसको काम देना है, प्रोडक्टिविटी कैसा देना है। फिर आता है लैक ऑफ स्किल्स में क्या होता है कि जो पीपल है वहाँ पे फुल्ली डिग्री बेस्ड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है एचआरएम जो है एचआर मैनेजर जो है वो बस उन्हीं को रिक्वायर करता है जो फुल्ली डिग्री बेस्ड होते हैं, जिनका सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट इज एक्सपेंडिंग ड्यू टू मैनी रीजन्स लाइक चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, टेक्नोलॉजिकली चेंज, लीगल चेंज एटसेट्रा। ऑल ऑफ दिस अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड मैनेजिंग स्टाइल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उनको बात करने का उनका तरीका कैसा होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितना है, उनका लीगल चेंजेस कितना है, उनका कस्टमर के साथ प्रेफरेंस कैसा है, टेस्ट कैसा है उनका कस्टमर के प्रति, कि वो कौन से कस्टमर से किस तरह से बात करते हैं, ये सब होता है लैक ऑफ स्किल्स कि आपको आपके अंदर कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था हमारा इन्वायरमेंटल जो कि हम लोग कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं या फिर कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस पे, तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। ये क्या होता है, ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल होता है, इसे पूरी तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस फ्रॉम एचआरएम आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दिस चैलेंजेस आर इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मच एक्सटेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस है इसे कंट्रोल करता है, इसे मैनेज करता है एचआरएम डिपार्टमेंट द
प्रोएक्टिव एचआर मैनेजर टेक नोटिस ऑफ सच चैलेंजेस, और वो हर चैलेंजेस को ठीक से नोटिस करता है, ठीक से समझता है, और इन एडवांस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स बिफोर दिस वुड कन्वर्ट इनटू सीरियस इशू, और उसे अच्छे से समझता है, और ये किसी प्रॉब्लम कोई सीरियस प्रॉब्लम बनने से पहले उसका वो इजाद कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है. द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड इशूज ऑफ डाउनजिंग द एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ मैनेज टीम्स, डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एटसेट्रा. तो यहाँ पे एचआर मैनेजर का यही काम होता है कि वो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान से समझना, उसको एक बड़ा इशू होने से पहले उसे ठीक कर देना, और फिर एचआर मैनेजर जो चैलेंजेस जो लेके आता है, कॉम्पिटिटिव पोजिशन भी होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे बोलने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर जो चेंजेस आते हैं, कोई अगर कोई मशीन का काम नहीं है या फिर किसी तरह का प्रोजेक्ट का वो उसका जो कंपनी है नहीं कर पा रहा है तो वो किसी और को दे देता है, एचआर दूसरे एचआर को दे देता है, या फिर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज को दे देता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को बेच देता है. तो इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चल जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है इसमें भी. तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी होता है इसके अंदर, इसे सेल्फ मैनेज टीम भी कहते हैं, इसे एक टीम के तौर पे इसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर बनाया जाता है, किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. तो इसे भी हम लोगों ने कुछ चार पॉइंट्स में बांटे. कंट्रोलिंग कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग कॉस्ट का बात करें तो कंट्रोलिंग कॉस्ट जो होता है ये दो तरह के कॉस्ट कटिंग पे बेस्ड होता है. एक होता है मार्केटिंग कॉस्ट कटिंग, एक होता है एचआर कॉस्ट कटिंग, और ये इन दोनों को जो है बैलेंस करके चलता रहता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर ले, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एवल द कॉम्पिटिटिव पोजिशन बाई लोअरिंग इट कॉस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स कैश फ्लोज. For the purpose, the labor cost of the organization is minimized through an effective compensation system. The adopt innovative reward strategies for good performance. In this way, the favorable behaviors of the employees are rewarded, so the organization would get the ultimate advantage. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको दोनों HR कॉस्ट कटिंग भी मैनेज करके चलना पड़ता है और मार्केटिंग कॉस्ट कटिंग भी आपको मैनेज करके चलना पड़ता है. आपको ऐसा नहीं कि आपको अगर प्रोडक्शन चाहिए तो आप एम्प्लॉयज़ बढ़ा लिए, या फिर आप एम्प्लॉयज़ बढ़ा लिए लेकिन आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, या फिर प्रोडक्शन आप बढ़ा लिए तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम करा रहे हैं. तो इसमें भी जो आता है आपका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है. तो यहाँ पे जो आपको दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है और आपको फेवरेबल बिहेवियर भी रखना पड़ता है हर एम्प्लॉयज के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर मोर ओवर द पॉलिसीज ऑफ कंपनसेशन शुड कीप द लेबर कॉस्ट अंडर कंट्रोल, और फिर लेबर कॉस्ट जो है उसे अंडर कंट्रोल भी रखना पड़ता है. इफेक्टिव एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड दैट कीप विथ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू दिस एम्प्लॉयज. द एचआर डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो रिस्टोर द वर्क of the employees along with the improvement in the health safety issue of the working environment. All of these efforts would limit the cost of labor. तो इसमें लेबर का जो होता है, लेबर के बारे में भी ध्यान रखा जाता है कि उसका हेल्थ कैसा है, उसका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सेफ्टी कैसा है, उसका जॉब सेफ्टी कैसा है, उसका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, इन सभी के बारे में भी ध्यान रखा जाता है एचआर मैनेजर के थ्रू, एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू इसका भी ध्यान रखा जाता है. फिर यहाँ पे हम लोग अब बात करें इम्प्रूविंग क्वालिटी. तो इसमें क्या होता है कि आपको क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी भी जरूरत होता है. तो यहाँ पे इसे भी आपको मैनेज करके चलना पड़ता है. ये खासकर तब होता है जब एम्प्लॉयमेंट को इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंसी का भी जरूरत पड़ता है कि उसे इफेक्टिवली भी काम करना और एफिशिएंसीली भी काम करना है. तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैन लीड एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर एम्प्लॉयड
that improves all the process within the organization, which would ultimately result in the improvement of the final product or service. तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट इम्प्रूविंग क्वालिटी यहीं पर होता है कि आपको एक क्वांटिटी अच्छा क्वांटिटी के साथ साथ अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन अच्छा होने के साथ साथ उन एम्प्लॉयज़ का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छा होना चाहिए. तो यहाँ पे दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है. फिर आता है यहाँ पे हम लोग का डेवलपमेंट एंड डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज. तो यहाँ पे क्या होता है, एचआर मैनेजर जो होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करता है जिसका स्किल ज़्यादा अच्छा है और डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि आप किसी इंटरव्यू में गए तो आपको आप किसी का इंटरव्यू ले रहे तो आपका पास सब सेम स्किल वाला आ गया, वो नहीं. आपको हमेशा वही लोग चाहिए जिसका डिफरेंट आइडियाज़ हो, डिफरेंट स्किल हो, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हो. कोई अकाउंटिंग में अच्छा हो, कोई मार्केटिंग में अच्छा हो, कोई सेल्स में अच्छा हो, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. कोई फाइनेंस में अच्छा हो, कोई टैक्स में अच्छा हो, इस तरह से. तो अनदर मेथड ऑफ गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज टू एम्प्लॉय द पीपल दैट हैव डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज टू डेवलप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंस इन स्पेसिफिक एरियाज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का स्किल होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, उन्हें ही रिक्वायर करता है. फिर रीस्ट्रक्चरिंग जैसे कि मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा बताया कि जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब वही सब होता है रिस्ट्रक्चरिंग. जैसे कि अभी ए प्रोजेक्ट ए कंपनी जो है, एबीसी कंपनी जो है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है लेकिन वो प्रोजेक्ट अब उससे नहीं हो रहा है, तो वो जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट को किसी ईडीईएफ कंपनी को दे देता है. तो जिसके कारण क्या होता है कि जो इस एबीसी कंपनी में जो एम्प्लॉयज थे उनका काम उनको नहीं मिलता, उनको सैलरी नहीं मिलता, तो अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ता जाता है या फिर कई बार उन लोग को निकाल दिया जाता है. तो ये रीस्ट्रक्चरिंग होता है जो कि बहुत एक तरह का बहुत प्रॉब्लम वाला इशू भी होता है. अनदर टेक्निक इज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस आर अल्टरेटेड पॉजिटिवली. इन द केस ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट द मेजोरिटी ऑफ फंक्शंस आर स्टिल परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग में बोला गया है. फिर अब हम लोग आते हैं हमारे वीडियो का आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पॉइंट है इंडिविजुअल चैलेंजेस का. तो यहाँ पे द डिसीजन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल चैलेंजेस फॉर द एचआरएम. द ऑर्गेनाइजेशनल इशू आर also affected by the fact that how employees are treated within the organization. The problems relate to the individual level are as follows. तो यहाँ पे इंडिविजुअल चैलेंजेस में क्या होता है कि यहाँ पे अब आपको ग्रुप में देखना नहीं पड़ता एचआर मैनेजर को, यहाँ पे आपको अब पर्सन टू पर्सन उनका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है. एम्प्लॉयज़ का हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, फंक्शन देखना पड़ता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और उसके अंदर उन्हें क्या क्या स्किल सीखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं. और उन्हें कुछ हम लोगों ने 5 पॉइंट्स में बांटे हैं, तो चलिए अब हम लोग उसे देखते हैं. तो सबसे पहला आता है हम लोग का प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द वैल्यू दैट एन एम्प्लॉय कैन ऐड टू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वो बताता है एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उनका जो वैल्यू है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखा रहे सर्विस में या फिर कोई प्रोडक्ट बनाकर क्या ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहे, क्या बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर द इंक्रीज्ड आउटपुट पर एम्प्लॉयज इज रिफ्लेक्टेड एज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. तो फिर जब आउटपुट जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा. फिर एबिलिटी एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉय को जो कैसा मोटिवेशन मिल रहा है, उनका क्या एबिलिटी है, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इनमें बताए गए ताकि वो अपना प्रोडक्टिविटी को और भी इफेक्टिवली काम कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके. द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द हायरिंग एंड रिप्लेसमेंट अलॉन्ग विद द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे उनका एम्प्लॉय का एबिलिटी इससे भी बढ़ता है कि इम्प्रूवमेंट उनका हायरिंग इम्प्रूवमेंट रिप्लेसमेंट हो करके
उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, करियर डेवलपमेंट उनका बढ़ा के, उनको एबिलिटी दिया जाता है, एबिलिटी बढ़ाया जाता है, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है उनके अंदर। ऑन द अदर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ सर्वर्स सर्व्स या फिर सर्विसेज एज एन एक्सीलरेटर टू द मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर उसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज के अंदर जो होता है वर्क लाइफ सर्विस जो होता है वो एक मोटिवेशनल फैक्टर के तरह होता है कि उसे उन्हें मोटिवेट करते रहिए तो उनका जो वर्क लाइफ है वो अच्छा से चलता रहेगा, उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा। फिर आता है हम लोग का एम्पावरमेंट। इन मॉडर्न डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेक चेंजेस इन सच ए वे दैट देयर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एक्सर्ट मोर कंट्रोल ओवर द वर्क एज कंपेयर टू द सुपेरियर्स। दिस इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड एम्पावरमेंट विच हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू वर्क विथ एंथुजियम कमिटमेंट एंड लर्न न्यू स्किल्स बिकॉज दे आर मोर मेक नॉर्मल डिसीजन अबाउट देयर वर्क बाई देमसेल्व्स एंड हेंस एंजॉय देयर वर्क। यहाँ पे एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक मॉडर्न डेज में अभी आज के टाइम पे ऐसा आया है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इसमें नए नए चेंजेस लाता है जो इंडिविजुअली एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे उसको, उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए, उनको ठीक से और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, उनका काम को और कंपेयर करने के लिए, उनको सुपीरियर तरीके से काम करवाने के लिए, जिसे हम लोग एम्पावरमेंट भी कहते हैं। इंडिविजुअल कंट्रोल के साथ साथ एम्पावरमेंट भी कहते हैं, और ये हेल्प करता है एंथुसिएज्म या फिर कमिटमेंट या फिर नया स्किल सीखने में। ये बहुत ही लाभदायक होता है हर एम्प्लॉयज़ के बीच में, और वो अपने काम को एंजॉय ठीक से कर पा रहे या नहीं कर पा रहे उनका भी वो डिसीजन लेते हैं। फिर आता है यहाँ पे ब्रेन ड्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ फॉर एचआरएम इज द डी अटैचमेंट ऑफ द की पोटेंशियल एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विच लिंक्स विद द कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि आज एबीसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे सीडीई कंपनी में उसी काम को उन्होंने 2,000 रुपये ज़्यादा दिया, तो वो जो एम्प्लॉयज जो 2-3 महीने से 4 महीने से काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो तुरंत उस ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाते हैं, और जब वो चले जाते तो कंपनी का भी लॉस होने लगता है क्योंकि उनको उनका सीक्रेट मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे, तो इनके ऊपर भी उनका स्ट्रेटेजी जो होता है अप्लाई होता है कि कंपनी जो है कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेता है कि उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत ही पोटेंशियल, बिल्कुल ये पोटेंशियल नहीं होता, और किसी भी कंपनी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं रह पाते ठीक से, उनको जहाँ पैसा मिलेगा वो वहाँ चले जाते, तो इनमें एक ट्रस्ट इशू भी हो जाता है, कई बार उन्हें रिक्वायर नहीं किया जाता है और उन्हें जज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन कैसा है, उन्हें जज करना भी मुश्किल हो जाता है एचआर के लिए। तो एचआर जो है वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सही तरीके से उसे रिक्वायर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस इट्स इनएक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉस होने के बाद उसको कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज भी बेचने पड़ते होंगे, लॉसेस देखने को मिलते होंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस से उन्हें निकलना पड़ता होगा। हायर लेवल ऑल्सो टेक विद देम द पोटेंशियल लोअर लेवल एम्प्लॉयज। फिर वो लोग एक काम और करते हैं कि वो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी होते हैं कि ना तो वो खुद काम करेंगे ना तो किसी एम्प्लॉयज को काम करेंगे, वो ना खुद मोटिवेट होंगे ना किसी को मोटिवेट होने देंगे, वो लोग डीमोटिवेट सबको करते रहेंगे, तो ये होता है। फिर आता है जॉब इनसिक्योरिटी। इन रिसेंट ईयर्स रीस्ट्रक्चरिंग एंड जॉब इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिए। जॉब इनसिक्योरिटी जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में, कि आपका जो जब तक आपका कंपनी को काम है, आपका जब तक कंपनी को काम है 3 महीना 4 महीना, तब तक आप कंपनी में हो, और जिस दिन आपका कंपनी से काम खत्म हो गया तो उस दिन आपका कंपनी जो है वो निकाल देता है, तो ये होता है जॉब इनसिक्योरिटी। इसमें सिक्योर नहीं रहता जॉब, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है हर एम्प्लॉयमेंट के लिए। इन रिसेंट ईयर रीस्ट्रक्चरिंग एंड डाउनसीजिंग डेवलप्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब विद इन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मैनी एम्प्लॉयज ओनली डिजायर टू गेट अ स्टडी जॉब रेदर देन अ जॉब विथ अ प्रमोशनल फ्यूचर।
इवन मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ देयर एम्प्लॉयज इन द पीरियड ऑफ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन. द स्टॉक मार्केट ऑल्सो शोज फेवरेबल रिजल्ट वेन ले ऑफ हैव बीन मेड. All these things create fear among employees about the insecurity of their jobs, which would hinder their effective performance. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब इनसिक्योरिटी नहीं रहता, जॉब का सिक्योर नहीं रहेगा आपके आपका कि आपका कब जॉब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम होता है, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी. फिर हम लोग का आता है आज के इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग मैचिंग पीपल, यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग मैरिज कपल देखते हैं कि जब लड़का लड़की का पसंद मैच कर रहा है तभी उनका शादी होता है, तभी वो लोग साथ में सही से रह पाते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी जिनका स्किल एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंसली भी काम कर सकेंगे. उन दोनों को, उन सभी को वो समझ पाएंगे, एक दूसरे को वो समझ के काम कर पाएंगे. तो ये तो था मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब हम लोग बात करें यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कुछ पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो इट इज़ अ रूटीन मेंटेनेंस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. ये एक रूटीन मेंटेनेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के द्वारा काम करता है. फिर इट इज़ इम्फेसिस ऑन कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ पीपल एट वर्क. इसमें क्या होता है, पीपल जो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, उनका कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. फिर पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज़ अ मेनली रिएक्टिव फंक्शन. फिर ह्यूमन रिसोर्स में इट इज़ अ प्रोएक्टिव फंक्शन, इट इज़ इंडिपेंडेंट फंक्शन, इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट टेक्स नैरो व्यू ऑफ इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इट अंडरटेक द सिस्टम व्यू, इट गिव्स एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, इट गिव एम्फेसिस ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ हायर नीड्स फॉर मोटिवेटिंग पीपल, इट कंसिडर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एज कॉज ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, इट इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट बेटर परफॉर्मेंस इट सेल्फ इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हाई मोरल. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंस पता किया कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके. और आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का पूरा पार्ट खत्म कर दिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे. तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.